हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सुभाष इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। दिस चैप्टर इज कॉमन चैप्टर इन क्लास फोर्थ एंड क्लास फिफ्थ। चैप्टर इज द नाउन जेंडर। देयर आर टू मेन जेंडर्स, मेल एंड फीमेल। दो जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल, पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक। मेल नाउन आर ऑफ मैस्कुलिन जेंडर एज किंग, मैन, लॉयन। अब मेल जेंडर को ग्रामर की भाषा में मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, जैसे कि किंग, मैन, लॉयन। फीमेल नाउन आर ऑफ फेमिनाइन जेंडर एज क्वीन, वुमेन, लॉयनेस। और जो फीमेल जेंडर होते हैं उसको फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, जैसे कि क्वीन है, वुमेन है, लॉयनेस है। बट देयर आर वर्ड्स दैट आर नेदर मेल्स और फीमेल्स। सच नाउन्स इंक्लूड जनरली लाइफलेस थिंग्स। मोर एवर सम वर्ड्स आर यूज फॉर मेल्स एज वेल एज फॉर फीमेल्स। सो देयर आर टू अदर जेंडर्स एज अंडर। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम मेल और फीमेल को नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेल और फीमेल जेंडर के लिए एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, जिसके लिए जैसे बेबी है, स्टूडेंट है। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लिए हमको जिनमें लाइफ नहीं होती है, तो उनके लिए हम दूसरे वर्ड यूज़ करते हैं, वो न्यूट्रल जेंडर के इसमें आते हैं। तो उसके लिए दो जेंडर और बनाए गए हैं, एक न्यूट्रल जेंडर और एक कॉमन जेंडर। नाउन दैट हैव नो लाइफ और ऑफ न्यूट्रल जेंडर एस चेयर, टेबल, साइकिल, पेन। जिनके इसमें लाइफ नहीं होती है उसके हम न्यूट्रल जेंडर के इसमें रखते हैं, जैसे कि चेयर, टेबल, साइकिल, पेन। नाउन्स कॉमनली यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर ऑफ। अब ये कॉमन जेंडर में हम वो वर्ड रखते हैं जो हम बोथ दोनों के लिए यूज़ करते हैं, मेल के लिए भी यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए भी यूज़ करते हैं, वो हम कॉमन जेंडर के अंदर रखते हैं। जैसे बेबी है, स्टूडेंट्स है, टीचर है, पेशेंट्स है, इस तरह के वर्ड हम कॉमन जेंडर के इसमें रखते हैं। We can form the feminine gender as of noun by adding a syllable such as es. कुछ gender के हम पीछे हम es लगाते हैं, जैसे कि author तो authoress, lawyer lawyeress, manager manageress, poet poetess, mayor mayoress, host hostess. We add e double s after dropping the last vowel of the मैस्कुलिन जेंडर इन द फॉलोइंग नाउन्स। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में क्या होता है, लास्ट वर्ड के पहले वोवल लेटर आता है, तो हम उस वोवल लेटर को लैप्स कर देते हैं, हटा देते हैं और फिर ई एस लगाते हैं। जैसे एक्टर, तो हम यहाँ पर ओ हटा देंगे, एक्टरेस इस तरह से बनाएंगे। टाइगर, ई हटा देंगे, टाइग्रेस। प्रिंस, प्रिंसेस। मास्टर, मास्टरेस। हंटर, हंट्रेस। वेटर, वेट्रेस। इस तरह से हम इन वर्डों को बनाते हैं। बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर अ नाउन वी कैन मेक इट्स जेंडर। कुछ जेंडर ऐसे होते हैं जिनको कि हम प्लूरल इसमें बदलने के लिए, फीमेल में बदलने के लिए आगे या पीछे के वर्डों को हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे बुल कॉल्फ है, तो हम यहाँ पे बुल की जगह काऊ कर देंगे तो काऊ कॉल्फ हो जाएगा। पीकॉक की जगह हम क्या कर देंगे, पी हैन। कॉक की जगह हमने क्या कर दिया, हैन लगा दिया, तो ये क्या हो गया, पी हैन। मिल्क मैन की जगह हम क्या कर देंगे, मिल्क मैड। तो हमने यहाँ पे मिल्क तो रखा ही है लेकिन मैन की जगह मैड कर दिया। तो इस तरह से आगे पीछे के जो वर्ड चेंज होते हैं उससे भी हम यहाँ पर सिंगल ये जेंडर चेंज कर सकते हैं। ही गॉट का शी गॉट, मैन सर्वेंट का मैड सर्वेंट और वॉशरमैन का वॉशरवुमैन। इस तरह से हम यहाँ पर जेंडर चेंज कर। वी कैन चेंज द जेंडर बाय यूजिंग एन entirely different word। अब यहाँ पर हम कुछ भी सेम नहीं लगाते, डिफरेंट यूज। जैसे आपको नॉर्मली मालूम होगा बॉय का गर्ल होता है, किंग का क्वीन होता है, जेंडर का गूज होता है, ड्रेक का डक, लॉर्ड का लेडी, ड्रॉन का बी, हॉर्स का मेयर, नेफ्यू का नाइसी नेफ्यू यानी भतीजा भतीजी, विजॉर्ड, विच, डॉग, बिच, फॉक्स, विक्सन, मॉन्क,
नॉन, इस तरह से ये इनके जेंडर होते हैं। ये सब आपको लर्न करना पड़ेंगे तो आपको याद होंगे। नेक्स्ट है द फॉलोइंग नाउन्स आर यूज्ड इन द कॉमन जेंडर। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं वर्ड जिसमें हम दोनों को ही रखते हैं, जैसे मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर उसमें आते हैं। जैसे पर्सन, अब पर्सन कौन से, हम मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों में ही यूज़ किया जाता है। फ्रेंड, फ्रेंड मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। पेरेंट्स, पेरेंट्स भी हमारे मेल होते हैं और फीमेल होते हैं। मम्मी पापा दोनों होते हैं। बेबी, अब बोलते हैं ना हम बेबी हुई है, तो बेबी में दोनों ही आते हैं, गर्ल भी हो सकती है बॉय भी। तो ये वर्ड वो होते हैं जिसके लिए हम दोनों ही के लिए यूज़ करते हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। कज़िन, कज़िन ब्रदर भी होता है, सिस्टर भी होती है। बर्ड, बर्ड मेल भी होता है फीमेल भी होता है। चाइल्ड, कैट, सर्वेंट, अब सर्वेंट भी मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। माउस है ना। रिलेशनशिप भी मेल रिलेशनशिप भी होती है और फीमेल रिलेशनशिप भी होती है। तो इस तरह से ये जो वर्ड होते हैं ये दोनों के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, मैस्कुलाइन के लिए और भी फेमिनाइन के लिए भी। स्टूडेंट्स अब हम क्लास फोर्थ की वर्कशीट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, राइट द जेंडर ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स मार्किंग एम फॉर मैस्कुलिन, एफ फॉर फेमिनाइन, सी फॉर कॉमन एंड एन फॉर न्यूट्रल जेंडर। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि जहाँ पर अगर मैस्कुलिन है तो हमको एम लगाना है, फेमिनाइन है तो हमको एफ लगाना है, और कॉमन जेंडर है तो सी लगाना है, और न्यूट्रल जेंडर है तो एन लगाना है। देखिए अब हाउस, हाउस क्या है, न्यूटर, जो विदाउट लिविंग थिंग मतलब इसमें लाइफ नहीं होती है, तो हम क्या लगाएंगे, न्यूटर, एन लगाएंगे। एयर मीन्स ये है मैस्कुलाइन है तो हम ए लगाएंगे। फ्रेंड कॉमन होता है तो सी लगाएंगे। चेयर न्यूटर है तो एन। स्टोन क्या है, वो भी न्यूटर है, एन। हंटर एम आएगा। ट्री कॉमन में आएगा, सी। डिक एम में आएगा। कजिन सी। एक्टर एम। बुक न्यूट्रल जेंडर में आएगा तो एन। और बर्ड काय में आएगा, कॉमन जेंडर में, तो क्या आएगा ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, फेमिनाइन जेंडर लिखना है। प्रिस्ट का प्रिस्टेस, बुलकॉफ का काउकॉल्फ, टियटोर का टेटोरेस, मोंक का नन, मोंक यानी सन्यासी, ड्यूक का ड्यूचेस, एक्टर का एक्टरेस, मैन सर्वेंट का मैड सर्वेंट, सर का मैडम, प्रिंस का प्रिंसेस, एयर का एरेस, नेफ्यू का नाइसी, ड्रैक का ड्रग। क्वेश्चन नंबर सी, राइट द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन। अब यहाँ पर हमको मैस्कुलिन जेंडर लिखना है। विडो विडोवर, निग्रो निग्रेस निग्रो, हॉस्टेस हॉस्ट, लेडी मैन, सॉ पिग, गूस गीस, प्रिंसेस प्रिंस, काउंटेस काउंट, हैन स्पैरो कॉक स्पैरो, ईव रैम, गवर्नेस गवर्नर, टाइग्रेस टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीराइट इट्स सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द वर्ड इन बोल्ड। अब यहाँ पर जो वर्ड डार्क कर रखे हैं इन वर्ड को हमके जेंडर चेंज करना है। द फॉर्मर हैज, यहाँ पर काउज लिखा है तो काउज का क्या हो जाएगा, ऑक्सन। बफेलोस का हो जाएगा शी बफेलो, ही गोट्स का हो जाएगा शी गोट, एंड कॉक का हो जाएगा हैन। अब यहाँ पर सेकेंड है, टाइगर्स फॉक्सेस लॉयंस एंड पिकॉक्स लिव इन फॉरेस्ट, तो हम यहाँ पर टाइगर का करेंगे टाइग्रेस, फॉक्स का विक्सन, लॉयंस का लॉयनेस, एंड पी हैन लिव इन फॉरेस्ट। राइट फाइव नाइन ऑफ कॉमन जेंडर, बर्ड फ्रेंड कजिन स्टूडेंट पेशेंट। स्टूडेंट्स अब हम क्लास फिफ्थ की वर्कशीट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ए है, राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। जॉइंट जॉइंटेस, निग्रो निग्रेस, फॉक्स का विक्सन, ड्रैक का डक, नेफ्यू का नाइसी, कॉक का हैन, विजार्ड का विच,
बुल का काउ, ड्रोन का बी, स्टेक का हाइंड. राइट द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउंस. हीरोइन का क्या होएगा मैस्कुलिन? हीरो. मैस्ट्रेस का मास्टर. बीच का मैस्कुलिन डॉग. सुल्ताना का सुल्तान. जेनी एस का जैक एस. पीहेन का पिकॉक. मैडन का बैचलर. यू का रैम. क्वीन का किंग. मेयर का हॉर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ही इज अ फाइन लैड. शी आएगा या ही? तो यहाँ पर आएगा ही. अब देखिए यहाँ पर है द गिव्स मिल, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑक्स, बुल या काउ? तो क्या पर आएगा यहाँ पर? काउ. द काउ गिव्स मिल्क. ही अरेंज्ड फॉर अ फॉर हिज सन बट ही डिड नॉट लर्न फ्रॉम ही. अब यहाँ पर है कि वह उसके लड़के के लिए अरेंज करता है किंतु वह उससे नहीं सीखता था. तो यहाँ पर ट्यूटर आएगा या गवर्नेस आएगा? तो क्या आएगा? ट्यूटर. हमेशा ट्यूटर रखते हैं ना सिखाने के लिए कुछ भी, वह तो ट्यूटर फॉर हिज सन. ही इज नॉट मैरिड, वह शादीशुदा नहीं है. ही इज तो क्या कहलाएगा? मैडन या बैचलर? तो कहलाएगा बैचलर, क्योंकि यहाँ पर ही है. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, उसकी वाइफ मर जाती है तो उसके बाद वह क्या कहलाता? ही लिव्ड एज अ विडोवर. अ मेल डियर इज कॉल्ड अ, इसको क्या कहेंगे हम? हाइंड या स्टैक? तो स्टैक कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीराइट इट्स सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ इट्स नाउन्स एंड प्रोनाउन्स. अब यहाँ पर हमको जेंडर चेंज करना है. शी इज माई नाइसी, हर हाउस इज इन द सिटी. तो यहाँ पर हम क्या नाइसी का नेफ्यू कर देंगे और शी की जगह क्या कर देंगे? ही कर देंगे, क्योंकि ये क्या है? फीमेल है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेल, तो मेल की जगह ही आएगा. तो ही इज माई नेफ्यू, हीज हाउस इज इन द सिटी. अब यहाँ पर भी हम हर की जगह हीज करेंगे. ओके. द मास्टर इज वेरी काइंड टू मी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मास्टर की जगह मिस्ट्रेस. तो माई मिस्ट्रेस इज वेरी काइंड टू मी. लॉयनेस की जगह हो जाएगा अ लॉयन इज इन द हीज डेन. हर की जगह क्या हो जाएगा? हीज, क्योंकि लॉयन क्या है? मेल जेंडर है. ही मीट द प्रिंस एंड रिक्वेस्टेड फॉर मेट्स. तो यहाँ पे हो जाएगा ही की जगह शी और प्रिंस की जगह प्रिंसेस. फिर यहाँ पर ऑक्सन की जगह क्या हो जाएगा? ऑक्स. ही बफेलोस की जगह शी बफेलोस. एंड जैक एसेस की जगह जेनी एसेस. ये क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स. तो ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने ये जेंडर पढ़े. अब आपको ये लर्न करना है. ओके, थैंक यू.